सो दोस्तों कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी यूट्यूब के ऊपर फेसबुक के ऊपर कि दोस्तों ये पर्स मिला है मुझे किसी का और ये पर्स में जितने भी आईडी प्रूफ थे मैंने सारा उस वीडियो में दिखाया था। और उस वीडियो में दिखाने के बाद सर दोस्तों हुआ ये है कि मैंने उन पर्सन को कॉन्टैक्ट किया था जिसका ये पर्स था, तो दोस्तों वो बंदा आज यहाँ पर आ रहा है जिनका ये पर्स है और मैंने उनको अपनी लोकेशन पर बुलाया जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। तो सर बड़ी दूर से आ रहे हैं, सर हिमाचल क्या कहते हैं शिमला से आ रहे हैं और मैं यहाँ पे रह रहा हूँ पंचकूले में। तो शिमला से सर स्पेशल ही ये पर्सन लेने के लिए आ रहे हैं, तो अभी वो यहाँ पे आने वाले हैं। तो मैं अपनी सेफ्टी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि कल को अगर कोई बात हो जाए तो मैं फंसूँ ना। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं अभी दिखाऊँगा कि जिन पर्सन का ये पर्स गिर गया था आज ये पर्स हम उसको लौटाने वाले हैं। तो अभी फ़ोन आया था उनका और वो बस आने वाले हैं, तो अभी हम यहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं। चलो देखते हैं कि वो जैसे कि मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों कि क्या पता अगला कहने लग जाए कि यार इसके अंदर दो एटीएम कार्ड है, मेरे पैसे निकल गए या जो भी होगा, जो उसके अंदर चीज़ पड़ा है, जो चीज़ इसकी गुम हुई है, सारा कुछ वो अभी इसी वीडियो में यानी क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई उनका सारा सामान मैंने दे दिया। कल को कोई बात हुए तो मेरे पास ये प्रूफ है कि भाई मैंने आपको सारा सामान दे दिया सर को। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ मैं अपनी सेफ्टी के लिए। तो सर अभी यहाँ पर आने वाले हैं तो हम कर रहे हैं अभी उसका उनका वेट। ठीक है ना? नहीं, और सर इसमें 100 रुपये पड़ा था आपका, तो वो सर मेरे से खर्च हो। अरे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कागज़ मेन तो जो है ना कागज़ पैसे पूछे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? अब एक बार फिलहाल इसको चेक कर लो। अरे यार ठीक है, बस जो भी है ना बस यही है, मेरे को नहीं पता इसमें क्या था क्या नहीं है। वो गलती उन लोगों की है ना यार, आप अब गाड़ी की गेट है जो उसमें यार आप रखोगे तो गिरेगा ना कहीं, खोलोगे ठीक है ना? तो काम कहाँ करते हो? मैं सर सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ जयपुर में। ना ना अब आपसे मिलते रहेंगे हम, ठीक है सर, ठीक है ना?